बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आपको हर्बर्ट ई हैक्स के मशहूर एसे वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन एसे के बारे में जानने से पहले आथर का मुख्तसर सा तारुफ। हर्बर्ट ई हॉक्स, जिनका पूरा नाम हर्बर्ट एडविन हॉक्स है, सन 1872 में पैदा हुए और 1943 में उसकी डेथ हुई, और ये अमेरिका के मशहूर मैथमेटिशियन थे, डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क थे और तकरीबन 25 साल तक डीन के तौर पर वहाँ काम किया, यानी 1918 से लेकर 1943 तक। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर थे, और चूंकि 25 साल तक डीन थे और उन्हें फर्स्ट हैंड नॉलेज था, उन तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में जानते थे जो कि इस कॉलेज में स्टूडेंट फेस करते हैं। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को बड़े करीब से उन्होंने देखा और इस टॉपिक पे मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल भी लिखते रहे और वो मुख्तलिफ औकात में पब्लिश होते रहे, और ये आर्टिकल का कलेक्शन जो था एक बुक की सूरत में हमारे सामने आता है, जिसका नाम था कॉलेज वर्स द यूज़, और ये 1927 में पब्लिश हुई। और ये आर्टिकल पहले कहाँ पब्लिश होते थे इसके बारे में जानते हैं कि न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये तमाम आर्टिकल पब्लिश होते थे, और ये वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज भी उन्हीं का आर्टिकल्स का एक हिस्सा है। ये था आथर का मुख्तसर तारुफ। अल्लाह हाफिज़।